नमस्कार किसान भाइयों, किसान खबर चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 13 जून 2023 हो चुका है और आज जयपुर मुहाना मंडी में प्याज की क्या पोजीशन बन रही है, कौन कौन सी वैरायटी के प्याज आ रहे हैं, मथानिया क्या पोजीशन चल रही है और नासिक वाला क्या चल रहा है, तो सभी जानकारी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यशपाल भाई नारायण ट्रेडर्स से जानेंगे क्या पोजीशन है आज प्याज की। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया सर, बढ़िया, आप बताओ। आज क्या पोजीशन है सर प्याज की? पोजीशन आज थोड़ा सुधार है सर, गिराकी अच्छी है आज। ग्राहकी अच्छी है? ऊपर, हाँ, नासिक में ऊपर 15 रुपये बिका है। अच्छा, नासिक 15 रुपये बिका जी सर। और अपना ये जो मथानिया वगैरह है? मथानिया सर ऊपर में 12 रुपये तक बिके हैं। 12 रुपये एक्स्ट्रा सुपर गाड़ी आएगी, उसके ऊपर भी 12.5 तक बिका होगा। अच्छा जी सर, तो आवक की बात करें, आवक कितनी है? आवक में 80 से 100 के आस पास होंगे मेरे हिसाब से, और पिकअप वगैरह मथानिया नासिक और सब टोटल मिला के वेराइटी मिला। और ये जो पीली पत्ती वाला ज़्यादा आता है सर, ये लोकल है? ये पत्ती आ रहा है सर, पीली पत्ती 4 रुपये किलो से लेके 8-9 रुपये किलो। 8-9 रुपये डैमेज बहुत है, मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है उसका। और सिक्कर वाला तो है ही नहीं बिल्कुल मार्केट में। सिक्कर वाला तो है ही नहीं। वैसे उसका क्या रेट लगभग चल रहा है? नहीं जो चीज़ है ही नहीं, नहीं सिक्कर में तो आता होगा सर, मेरे को पता नहीं सर। मैंने आज सुना था किसी किसान कोई ग्राहक बता रहा था, बोले सिक्कर का मतलब सिक्कर में गुचामन का माल आ रहा है। अच्छा जी, सिक्कर में भी सिक्कर का माल नहीं है। अच्छा जी, तो अब की बार तो मतलब कि ऐसा नहीं है, हमेशा सिक्कर वाला माल लेट तक चलता है, अब की बार क्या दिक्कत आई कि वहाँ प्याज की मतलब कि पूर्ति नहीं हो पाई? ऐसा कुछ नहीं है, सिक्कर वाला माल लेट तक नहीं चलता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने अगर आपको रिपोर्ट दिए तो वो ऐसा है कि कुछ स्टॉक रख लेते हैं जो रुकने वाला। हाँ, स्टॉक वगैरह कर लेते हैं ना, अब की बार स्टॉक वाला प्याज बना ही नहीं है। 3 साल जो पिटाई हो रही है तो इस साल लोगों ने बोला नहीं, निकाल दो, रखने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, वो किसान सीधे साधे होते हैं। अच्छा जी, तो सर ये क्या बिका है सर? ये नासिक है सर, 13 रुपये किलो दिया सर। अच्छा जी, वो सामने वाला सर? ये 10 रुपये, ठीक है जी सर। और ये वाला सर? ये सर मथानिया सर। क्या बिका है सर? 10 रुपये किलो सर। 10, वो सामने वाला 11, और वो सामने वाला? वो सर 9 रुपये। 9 रुपये। और ये चोपड़ा वगैरह जो नासिक वाला है सर? 6 रुपये सर। 6 रुपये, ठीक है जी सर। तो सर क्या क्या पोजीशन बन रही है सर, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से बिल्कुल प्याज दबा के जा रहा है सर। सर पोजीशन टाइट होगी, मगर लेट्स सी कब तक ये बाजार में हल्के माल आते हैं और ख़त्म होता है, उसके बाद पोजीशन बनेगी सर। क्योंकि वहाँ पे भी हल्का माल जा रहा है सर, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का माल नहीं जा रहा है बांग्लादेश। हाँ जी सर, उसमें भी कुछ इन द सेंस ये होता है कि जो माल स्टॉक हो सकते हैं, हाँ जी, कम से कम 2-4-5 दिन, क्योंकि उसको वहाँ से भी आप अगर बांग्लादेश बॉर्डर पे लेके जाओगे तो आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी गाड़ी में जाता है। बिल्कुल सर, अगर ट्रक का उधर माल पटकेंगे और वो दागी होगा तो फिर वो माल पहुँचेगा नहीं। कुछ गाड़ियाँ रिटर्न भी आई है बता रहे हैं, कुछ रिटर्न आई, तो वही बता रहा हूँ ना, हल्के माल मतलब इन द सेंस जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे नहीं है कि दागी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैरायटी और क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल सर, सुपर क्वालिटी के तो आज इंडिया में भी, जैसे दिल्ली क्वालिटी है, बॉम्बे क्वालिटी है, तो वो दे आर ऑल्सो अच्छा खाने वाले बहुत सारे हैं सर, जयपुर में भी और हर जगह। तो सर जो अपना बांग्लादेश प्याज जा रहा है वो 50% के आसपास बिका है वहाँ? सर इतना पूछा नहीं, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश हमारे को मैटर नहीं करता, बांग्लादेश एक नहीं सर, अगर देखो अपने से ऊपर नहीं है, अपने से ऊपर नहीं है, पर ये है कि सर अगर देखो वहाँ पे प्याज की ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो अपना जो प्याज है जो एक्स्ट्रा है वो सारा निकल जाएगा, तो यहाँ डिमांड बन सकती है ना सर। करंटली मैटर्स करती है, वो लोग इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये प्रैक्टिकली वो भी इंसान ही है सर। हाँ बिल्कुल, उधर भी गरीब इंसान होंगे, अपने से नीचे हैं तो उनको महंगा पड़ रहा होगा, डबल ट्रिपल पड़ रहा होगा, करंटली वैल्यू की तरफ से चेंज होता होगा पहले। लेकिन अब बहुत, जैसे अगर आप मान लो प्याज 80 रुपये किलो अगर इंडिया में जयपुर में हो जाए, तो लोग जो गरीब और जो मेरे ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं वो प्याज का सिर्फ तड़का लगाने में यूज़ देते हैं, खाने में यूज़ नहीं देते हैं। बिल्कुल, होटल ढाबे रेस्टोरेंट सब जगह बंद हो जाता है। बिल्कुल, तो सर ये मैटर करता है, तो वो लोगों के पास भी खपत कम हुई होगी, उनके पास भी क्वान्टिटी घटी होगी ऐसे सर, और उनके पास भी बेचारों के पास, अगर मान लो अगर कोई और देश अगर अच्छा, मतलब मैं ये नहीं बोला बांग्लादेश, मगर बांग्लादेश अपने से नीचे है करेंसी। बिल्कुल सर, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन, अगर अच्छी करेंसी वाले, जैसे मान लो कोई अच्छी करेंसी वाला अगर देश अपने से ले रहा होता तो सारा सुपर ही जा रहा होता सर। बिल्कुल सर, हल्का जा ही नहीं रहा होता। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। चलो जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।